मरकुस रचित सुसमाचार दसवां अध्याय। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यर्दन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी मादा का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुणा न पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था, और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। तब वह फिर उन बारहों को लेकर उनसे वे बातें करने लगा जो उस पर आने वाली थीं, कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा
और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और तीन दिन के बाद वह जी उठेगा। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे, और यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया।